कुछ पल भाए रे अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटा वाले हैं ये आपका नाम बना देंगे और अगर बुरा काम करेंगे तो यही गांव वाले नाम मिटा देंगे। अरे झूठे हमारी को कृपा उठो तो सही उठो उठो और रोना बंद करो बताओ क्या हुआ। परसों तुम्हारी बिटिया की शादी कई ससुराल वालों ने कुछ ससुराल हम नहीं जा पाए जग भैया उजड़ गई हम सब लोगों की जिंदगी और यहाँ के लोकल किसानों की जो किसानों से उत्पादन कर रहा है उसकी आय ना बढ़कर सिर्फ फैक्ट्रीज की आय बढ़ती है। तो भारत सरकार अगर लोकल लेवल पर फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो वो किसान जो इसका उत्पादन कर रहा है उसको डायरेक्ट फायदा होगा, उसके इनकम में वृद्धि होगी, और दूसरा जो प्रोडक्ट है फाइनल गुड्स जो बन रहा है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो जिससे लोगों को खरीदने में भी सुविधा होगी और विज़विज किसानों की आय भी बढ़ेगी। सॉयल हेल्थ कार्ड इज जो मृदा है मिट्टी है उसका हेल्थ क्या है, वो किस कृषि उत्पाद के लिए बेहतर है, उसे किस कृषि उत्पाद को उगाने के लिए कितने पेस्टिसाइड्स चाहिए, कितने फर्टिलाइजर चाहिए, कितना बीज पर यूनिट एरिया पड़े, कौन सा बीज वो बेटर प्रोडक्ट कर सकता है, इन सारी चीजों के लिए भारत सरकार डिफरेंट सेंटर सॉयल हेल्थ सेंटर बनाएगी। उस सॉयल हेल्थ सेंटर में किसान अपनी मिट्टी को लेके आ सकता है, उसका पूरे सॉयल टेस्ट होगा लाइक ए लैब में टेस्ट होगा, उसके बाद उसे ये कार्ड के फॉर्म में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी मृदा किस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सूटेड है, इसको कितने पेस्टिसाइड चाहिए, कितने फर्टिलाइजर्स चाहिए, कितना पर यूनिट बीज चाहिए, इस तरह से। इससे क्या होगा कि किसानों को एक मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो डिफरेंट लैब स्टैब्लिश होंगे और उन मृदा का रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, दैट इज सॉयल हेल्थ कार्ड। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना इज परंपरागत, जैसे हमारे पहले जो कृषि होती थी जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं पड़ते थे, सिर्फ हम जैविक खाद जो होते हैं जैसे काऊ डंग वगैरह से जो बनता है उसका प्रयोग करते थे। सरकार की ये मंशा है कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा दें, इसका मार्केटिंग वैल्यू भी ज्यादा है, तो इससे किसानों की आय भी वृद्धि होगी
और जो इसे कंज्यूम करेंगे उनके हेल्थ पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करने से होता है। कावेरी बाहर बैठी है, आइए ना हमारे साथ बैठकर बातें कीजिए। नहीं अम्मा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। सुबह से ही कृपा के आंसू हमारे आंखों से हट नहीं रहे। पराठे भी क्यों, अगर किसी का दुख देखने के बाद उसे भूल जाए तो इंसान ही नहीं रहता। दुखी तो हम भी हैं, लेकिन आपकी तरह उम्मीद बांधे हुए हैं। आपका बेटा जो आ गया, आपने किशन को तैयारी किसानों के लिए किया है ना? तो अब चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, कल आपका बेटा आसमान से सूरज जमीन पर ला देगा। वो आपकी उम्मीद और किसानों का भविष्य है ना? हाँ, इसी उम्मीद से तो इतने वर्षों से भारू प्रताप का छल कपट सहते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परसों बताओ, परसों कृपा की बिटिया का ब्याह है, कहां से देगा वो 50,000 रुपए उसके ससुराल वालों को? भानु प्रताप ने 50,000 रुपया इसलिए काट के दिया है ताकि मजबूर और बेबस कृपा अपने घर के कागज उसे दे तो उसे और रुपया देगा। उसे बैंक से तो इतनी जल्दी ऋण मिलने वाला नहीं। भैया नीलिमा भाभी आई है। नीलिमा देवी आई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बेसिकली जो हमारे कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जहाँ पे सिंचाई मतलब पानी पानी के लिए जो हम करते हैं तो पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इसमें दो फोकस भारत सरकार का। एक तो ये है कि मैक्सिमम लैंड सिंचाई से हम कवर करें। इसके लिए भारत सरकार या तो कैनाल बनाएगी, वेल बनाएगी, पॉन्ड्स बनाएगी, ये सारी चीजें करेगी। और दूसरा एफिशिएंट इरिगेशन, लाइक माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करेंगे, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इसका डुअल बेनिफिट है। एक तो मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन हो जाएगा और दूसरा एफिशिएंट इरिगेशन जिससे लॉगिंग ऑफ वाटर खेतों में ना हो, जिससे सॉइल सेलिनिटी जो हो जाती है उसकी समस्या भी नहीं आएगी। राष्ट्रीय कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या है कि हमारे यहाँ एपीएमसी मंडीज हैं। किसान क्या करता है, अपना प्रोडक्ट लेके मंडीज को जाके बेचता है। ये ई नाम पोर्टल भारत सरकार डेवलप कर रही है, उससे पूरे भारत की मंडीज को, एपीएमसी मंडीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे कि जहां पे बेटर रेट किसानों को मिले वो उस मंडी में बेचे, ना कि वो मजबूर हो कि अपने घर के पास वाले मंडी से। तो ये इस स्कीम के बाद बहुत ही मॉन्यूमेंटल चेंज आ सकता है, किसानों के इनकम इंक्रीज, इनकम में इनकम की बहुत मॉन्यूमेंटल इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1650 रुपये भारत सरकार ने किया, प्रदेश सरकार उसमें 50 रुपये 100 रुपये वृद्धि करके अपने प्रदेश में इंक्रीज भी कर सकती है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हम प्रोफेशनल्स को, ये एग्रीकल्चर लोन है, जैसे हम प्रोफेशनल्स को क्रेडिट कार्ड देते हैं ऐसे ही
सरकार किसानों को क्रेडिट कार्ड देती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्याज रियायत योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसानों के लिए एग्रीकल्चर सीजन के पहले सरकार, भारत सरकार ये बता देती है कि हम ये प्रोडक्ट कितने में परचेज करेंगे। इससे एक मोरल बूस्ट का काम करता है कि उन्हें ये कंफर्म होता है कि मिनिमम इतना इनकम उनका होने वाला है। इसलिए सरकार किसानों को का मोरल बूस्ट करने के लिए कि हम आपको आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उतना हम इस रेट में खरीद लेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना हम सपोर्ट देंगे। इसमें भारत सरकार बताती है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रदेश सरकार उसे लागू करने में कुछ एडिशनल अपने साइड से भी बेनिफिट दे सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि 1650 रुपए भारत सरकार ने किया, प्रदेश सरकार उसमें 50 रुपए 100 रुपए वृद्धि करके अपने प्रदेश में इंक्रीज भी कर सकती है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे हम प्रोफेशनल्स को, ये एग्रीकल्चर लोन है, जैसे हम प्रोफेशनल्स को क्रेडिट कार्ड देते हैं ऐसे ही सरकार किसानों को क्रेडिट कार्ड देती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका इंटरेस्ट बहुत कम है, ब्याज दर इसका बहुत कम है, इसमें 7% का ब्याज दर है। और अगर किसान एक समय सीमा के अंदर अपने ऋण को वापस करता है तो उसे 3% और इंटरेस्ट कम देना होगा, यानी 7% की जगह 4% ही देने होंगे। तो एक बहुत कम से कम ब्याज दर के साथ किसानों को लोन है, जिससे वो समय से बीज खरीद पाए, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीद पाए, और सबसे बड़ी बात कि जो वो लोकल मनी लेंडर हैं, जो साहूकार हैं, उनके चंगुल में ना फंसे, उनके पास जाके लोन ना ले, क्योंकि उनके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और फिर किसान उसे वापस रीपे नहीं कर पाता। कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र। करंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर रहा है किसानों के लिए, फिर भी किसानों की दशा इतनी खराब क्यों है? क्यों वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे? क्यों यही अन्नदाता धरती पुत्र किसान अन्न के लिए इतना परेशान है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि किसान आज भी इस देश में सबसे सीधा इंसान है, इतना सीधा कि उसे धरती की लहलाती फसलों के सामने अपना जीवन एवं सारी दुनिया भी हरी भरी दिखाई पड़ती है। किसान हर दुख एवं हर कष्ट भूल जाता है और इस खुशी में वह भविष्य के लिए सोचता ही नहीं है। और दूसरी कमजोरी यह है, शायद उन्हें इतने प्रचार के बाद भी सरकार की योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह बिचौलिए और लोकल सूदखोरों के बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। सो यू मीन टू से कि किसानों को इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी बहुत जरूरी है और शिक्षा भी?
बिल्कुल, तो फिर ठीक है सर, हमें इन सब की ग्राउंड लेवल से ही तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप लोग इतना बड़ा काम करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है और हर संभव आपकी मदद की जाएगी। देखिए सच्चाई यही है कि सरकार किसानों के भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित है। तो फिर ठीक है सर, जल्दी आपकी सेवाएं लेने दोबारा आएंगे। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। पापा जी अगर हम झूठ कहत हो तो अम्मा जी की हवाई चप्पल और हमारा सर। अरे ये का कर रही बहू रानी, वो गंदा चप्पल है नीचे रखो। अरे अम्मा जी हम तो उदाहरण दे रहे थे ना, ऐसा थोड़ी ना सच में करेंगे। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एकदम निसंकोच होकर कहो जो कहना है। पूरी स्वतंत्रता है तुम्हें, कहो। अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब वो क्या है ना कि बहू की भी एक मर्यादा होती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे किशन बाबू, नीलिमा बाबू जी आइए, जरा चाय नाश्ता ले आओ। नीलिमा सब कुशल तो है ना? जी, सुबह रुद्र आया था। रुद्र? क्यों? वही 6 महीने का सूद मांगा, परसों तक नहीं मिला तो घर के कागज लेकर और पैसा दे देगा बोल के गया है। आपने तो इनसे कहा था कि ठाकुर जी बदल गए हैं, आप इनसे बात करेंगे? हाँ कहा तो था, क्योंकि मुझे लगा कि वो बदल गए, क्योंकि वो शायद मेरा भरम था। तो क्या करें, घर के कागज उन्हें दे दें? फिर कजरी का ब्याह? नहीं नहीं, मैं भानु से बात करूं। शंकर से बोलो कि भगवान सब ठीक करें, घर के कागज भानु को मत दे। किशन बाबू क्या हुआ, चल जा। नहीं जीजी, घर पे ये अकेले हैं और कजरी भी खेतों में छिड़काव करने गई है, मैं फिर कभी आके नाश्ता कर लूंगी। चलते हैं आगे आगे। हम तो सच्ची साथ चाहते हैं कि ये भानु ठाकुर ना कीड़े पड़ के मरे, सिसक सिसक के मर जाए। तुम काहे अपनी जुबान खराब करती हो? देखो भैया, हम तो नहीं जा रहे हवेली पे खाना खाने, और आप भी नहीं जाएंगे उसकी पाप की कमाई का खाना खाने, और कोई नहीं जाएगा। आप उनकी तरफ क्या देख रहे हैं? अगर हमने मना कर दिया तो उनके लिए मना समझो, हमारे बिना तो वैसे ही कहीं नहीं जाना वाले। करण को आने दो, बात करते हो। भैया अगर आप करण से बात करेंगे तो वो वैसे ही मना नहीं करेगा, और इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो आपकी बात को ना माने। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अब कैसे हो आप लोग? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप सब कुछ ठीक है ना? नहीं, अरे तुम ये इतनी सारी मेथी की भाजी क्यों लाई हो? ये
करण को ना मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तू सोचा लेती चलो, आप बना देंगी ना? अरे आपकी परेशान होती है, मैं बना दूंगी, मैं हूं ना। अब वैसे भी रसोई में भौजी और मिश्री है ना, वो मिश्री किशन के साथ पानी का छिड़काव करने गई है खेतों में। पर वो किशन बहू है, तुम जाओ। ठीक है। हिरण्यकश्यप के घर प्रह्लाद बन के जन्मी है ये, और एक वो वैजयंती माला है, होली का है, होली का क्या हूं हूं? हंस क्या रही हैं? अब पापा जी ऊंच नीच और गलती तो कोई हम कर ही नहीं सकते, और प्रवचन करने की तो हमारी आदत ही नहीं है, माँ बाप ने कभी डाली ही नहीं। टोका टोकी, टोका टोकी तो हम कर ही नहीं सकते। ये तो आप सबको पता ही है ना। इसलिए तो हम तुम्हें इस घर की लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहते हैं, है कि नहीं? बस आपका आशीर्वाद ना सदा हम सब बना रहे, सदैव बना रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हम बाद में खा लेंगे, पहले ये बताओ तुम क्या बताना चाह रही थी? अरे हम कब से पूछ रहे हैं क्या आखिर हुआ कहाँ है, लेकिन बता ही नहीं रही है। जब से मंदिर से आई है ना चुपचाप से बैठी है, तो सो गई है देखिए ना। अरे बेटा क्या बात है बताओ ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम तुम्हारी नजर उतार देते हैं। वो कहा है ना कि हमारी बहू रानी का चांद सा मुखड़ा है, किसी ना किसी की नजर लग गई होगी। हाँ अम्मा जी, नजर उतारनी होती तो हम कब से उतार लेते। अब आपको इतना भी नहीं पता है चमड़े के जूते को ना मुंह पे दो बार घुमाई के फेंक देना होता है। अब वो का है ना, हृदय के प्रेम रोग का इलाज तो किसी के पास नहीं है, अब सारी दुनिया में नहीं है। अब पापा जी अगर हम झूठ कहते हो तो अम्मा जी की हवाई चप्पल और हमारा सर। अरे ये क्या कर रही बहू रानी, वो गंदा चप्पल है नीचे रखो। अरे अम्मा जी हम तो उदाहरण दे रहे थे ना, ऐसा थोड़ी ना सच में करेंगे। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एकदम निसंकोच होकर कहो जो कहना है। पूरी स्वतंत्रता है तुम्हें, कहो। अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब वो क्या है ना कि बहू की भी एक मर्यादा होती है, और आपको तो पता ही है वो हम कभी लांग नहीं सकते ना। अब वो क्या है ना कि हमने निर्जला जीजी को ना मंदिर में प्रार्थना करते देखा था, और बस हमारे मन की सातवीं इंद्री जाग उठी। सातवीं इंद्री कौन सी होती है? सातवीं इंद्री कहां से आ गई? अब ये सब हमें नहीं पता, हमारे मायके में ना ये सब होता है। अब आप हमें बीच में टोका टोकी मत कीजिए, नहीं तो हम कुछ और कहेंगे और आप कुछ और पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे भाई? अब ज्यादा तो हम जानते नहीं, अब किसी के मन में तो हम घुस नहीं सकते। हाँ अपन ताल ठोक के ये तो जान लिए हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम की जोत जल रही है। अब कहीं ये प्रेम जोत उनके बचपन के सखा मिश्रा जी के छोटे बेटे के लिए तो नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो सत्ता पट्टा सन्नाटा हो जाएगा हवेली में। अम्मा जी, कहीं पापा जी को हमारी बात से सदमा तो नहीं लग गया?
नहीं 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 आपको मिर्च तो नहीं लगेगी क्योंकि हम टमाटर धनिया मिर्च की चटनी जो पीस रहे नहीं इतने भी कमजोर नहीं है जानते हैं करण को ना हमारे हाथ की मेथी के पराठे के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है बहुत चटकारे लेके खाते हैं पर करण नहीं खाएगा क्यों बाहर से कुछ खा के आए क्या नहीं क्योंकि पहले की बहुत सारी ऐसी आदतें और शौक छूट चुके हैं अब उसे ये पराठे चटनी ये सब अच्छे नहीं लगते सब छोड़ चुका है हिंदुस्तान नहीं छूटा मुझे रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए